आप सभी को यीशु सहाय। यह जो रविवार है पुनरुत्थान पर्व के पश्चात, यह दूसरा प्रभुवार है और इस प्रभुवार का जो विषय है वह यह है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह। आइए प्रार्थना करें। भजन 105 1-2 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने इस कोरोना काल में भी हम में से प्रत्येक को सुरक्षित रखा है। जितने लोग संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए भी प्रार्थना है परमेश्वर कि वे लोग भले चंगे हों, अच्छी देखभाल हो उनकी, और इस तरह से हम सब कलीसिया में स्वस्थ रहते हुए तेरी स्तुति और महिमा करने वाले बने रहें। तेरी इच्छा है कि हम सब भले चंगे होकर तेरी स्तुति और महिमा करें, जैसा तूने तीसरा यूहन्ना उसके दूसरे पद में कहा है, हे मेरे प्रिय, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहा। तो हे परमेश्वर, उस वचन के सामर्थ्य में हम सब मांगते हैं कि सारे लोग भले चंगे और स्वस्थ रहें, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, सभी लोग स्वस्थ रहें, और ये तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के लहू के सामर्थ्य में संभव है। इसलिए हम सब उस लहू को पुकारते हुए पूरी आराधना में परमेश्वर हम सब तेरी अगुवाई चाहते हैं। गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने, सभी बातों में तू अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमेन। गीत संख्या 100, हिम्न नंबर 100। कलेक्ट की प्रार्थनाओं को हम सब करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने प्रेरितों को अपने पुत्र के गवाह होने और समस्त जातियों को शिष्य बनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान किया। अपनी कलीसिया को ऐसी बुद्धि और धर्मोत्साह प्रदान कर कि वह सुसमाचार का प्रचार करे, और जिन्हें तू बुलाता है वे तेरे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के सच्चे ज्ञान को प्राप्त करें, उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीवी जीता
और राज्य करता है। आमीन। हम सब प्रार्थना करें, हमारे भारत देश में जहाँ कहीं भी चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उन सब के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, सारी बुद्धि के सोते तेरे आदर्श अच्छे और हितकारी हैं और तेरी व्यवस्था सत्य है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी आशीष देकर पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी चुनाव संपन्न किए जा रहे हैं उन सभी लोगों की ऐसी अगुवाई कर कि वह हमारे शासन के लिए उन सब बातों का निर्णय करें जिनसे तू प्रसन्न है, तथा तेरे नाम की प्रतिष्ठा और प्रजा का उपकार हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमेन। हे परमेश्वर, तूने सब जातियों के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वरदे कि हमारे भारत देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमेन। हम सब पाप अंगीकार की प्रार्थना को और विधि को आगे बढ़ाएंगे। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपनी पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किया उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही आप सभी पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आप सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए चुनाव ठहराया गया पहला पाठ वचन प्रेरितों के कार्य उसके पांचवें अध्याय और उसके 27वें पद से लेकर 42वें पद तक। प्रेरितों के काम अध्याय 5 और उसके 27वें पद से लेकर 42वें पद तक। उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पत्रस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमालियल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इसराइलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थ्यूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए।
इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उनकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे, और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। या प्रभु यीशु ख्रिस्त या परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए चुना हुआ दूसरा पाठ वचन हम सबको मिलेगा पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और 18 पद से लेकर 25 पद तक। पहला यूहन्ना अध्याय 2 और पद संख्या 18 से 25। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के होने से इनकार करता है। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिस की उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 105 हीम नंबर 105। Stop!
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार पवित्र लूक का रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय और उसके 36वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा होवे। लूक का 24 और उसके 36वें पद से वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपना हाथ पाँव दिखाया। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और आश्चर्य करते थे तो उसने उनसे कहा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्य दक्तवा और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। या प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति होवे। मेरे प्रियो हम सब पुनरुत्थान पर्व के पश्चात ये दूसरे प्रभुवार में हैं और विषय है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह। ये बहुत ही सुंदर विषय है। यह विषय इसलिए भी कि हम सब जो जीवित हैं इस पृथ्वी पर वास्तव में हम गवाह हैं। गवाही देने के लिए हम सब जीवित हैं कि यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह हमारे बीच में चलते फिरते हैं। इस बात की गवाही देने के लिए हम सबका जीवन प्रभु यीशु में मिला दिया गया बपतिस्मा के द्वारा। जी हाँ मेरे प्रियो और जब जब हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तब तब इस बात की घोषणा उसकी मृत्यु की घोषणा उसकी मृत्यु की बातों को करते हैं जब तक वह फिर से ना लौट जाए। तो आज का जो विषय है वो आपके लिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की गवाह। यदि हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह नहीं है मेरे जीवन से मेरी बातों से विचारों से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की गवाही नहीं मिलती है तो हमने वास्तव में यीशु मसीह के अनुग्रह को ठुकरा दिया। यीशु मसीह के लहू को ठुकरा दिया है मेरे प्रियो। लेकिन हम सब मसीह कहलाते हैं इसलिए क्योंकि हम गवाह देने के लिए गवाही देने के लिए इस पृथ्वी पर जीवित हैं। चलिए हम सब बाइबल से कुछ बातों को जल्दी से देखते हैं। पुनरुत्थान के गवाह या पुनरुत्थान की सच्चाई। पहला क्या है? खाली कब्र। वह खाली कब्र आज भी गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह जी उठा। वो अब यहां नहीं है। वो खाली कब्र पूरे विश्व के लिए एक दर्शनीय स्थल बन गया है, टूरिस्ट प्लेस बन गया। लोग वहां जाते हैं देखते हैं। यही खाली कब्र नंबर वन गवाह है, विटनेस है, सच्चाई है। दूसरा क्या है कि उनका प्रकट होना। कहां कहां प्रकट हुए थे? सबसे पहले मरियम मगदलिनी को जो यूहन्ना 20:11-17 में उसका उल्लेख है मेरे प्रियो। मरियम मगदलिनी को। फिर वे कहां प्रकट हुए? दूसरी स्त्रियों को जो मत्ती 28:9-10 में हम लोग को मिलेगा। आप सब इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, डायरी में नोट कर सकते हैं। तीसरा प्रभु यीशु प्रकट हुए पत्रस के पास जो पहला क्रंथियों 15:5 पद में मिलेगा। यह बहुत ही सुंदर अध्याय है पहला क्रंथियों और 15 अध्याय। तो पहला क्रंथी 15:5 में पत्रस के सामने यीशु मसीह प्रकट हुए थे। फिर अगला बिंदु है एमाउस के मार्ग पर चेलों को यीशु मसीह दिखाई दिए जो लूका 24:13-35 के बीच में मिलेगा। फिर अगला है कि 10 चेलों को वो दिखाई दिए जो लूका 24:36-43 पद में
इसका उल्लेख है। फिर उसके उपरांत 11 चेलों को वो दिखाई दिए जो यूहन्ना 20:26 से 29 में उल्लेख है। फिर अगला है कि गलील के पास 7 चेलों को वो दिखाई दिए, उनका प्रकट होने के विषय में हम सब बात कर रहे हैं। गलील के पास 7 चेलों को दिखाई दिए जो यूहन्ना 21:1-13 में हमें मिलेगा। फिर उसके बाद 500 से अधिक लोगों को वो दिखाई दिए जो पहला कुरिन्थियों 15:6 में इस बात को पौलुस लिखता है, गवाही देता है। अगला जो प्रकट हुए वह स्वर्गारोहण के समय 11 चेलों को वो दिखाई दिए जो मत्ती 28:19-20 में इसका वर्णन है। मेरे प्रियो, हम सब बात कर रहे हैं पुनरुत्थान की गवाही, पुनरुत्थान की सच्चाई के विषय में। पहला चीज हमने देखा खाली कब्र, दूसरा है उसका प्रकट होना, कहां कहां प्रकट हुए हम सब ने देख लिया, सुन लिया। तीसरा बिंदु है, तीसरी बिंदु है वो ये है कि पुनरुत्थान के गवाह यह है कि उसकी गवाही यह है, उसकी सच्चाई यह है कि मसीही कलीसिया का अस्तित्व, मसीही कलीसिया अस्तित्व में आ गई। कितना महत्वपूर्ण बात है, कितने आनंददायक बात है मेरे प्रियो कि पुनरुत्थान की ही वजह से आज पूरे विश्व में कलीसिया का अस्तित्व है। यह सबसे बड़ा गवाही है, सबसे बड़ा गवाह है कलीसिया, इसे जरूर आप सब याद रखेंगे। चौथा बिंदु जो है कि पुनरुत्थान, यीशु मसीह की पुनरुत्थान की गवाही या सच्चाई यह है कि चेलों में परिवर्तन आ गया। वे डर से, यहूदियों के डर से कमरे में बंद रहते थे, यीशु मसीह जब उनके बीच में प्रकट हुए, जो लुका के इस सुसमाचार में हम सब देखते हैं जहां पर उसने भुनी हुई मछली भी खाई, यीशु मसीह ने कहा कि मैं भूत नहीं हूं, है ना, मेरे हाथों को देखो, उसमें छेदों को देखो। यीशु मसीह ने, जो भी हम लोगों ने सुसमाचार पढ़ा था लुका 24:36-43 में, तो उसके बाद से चेलों में परिवर्तन आ गया। वे डरपोक थे, अब बहादुर हो गए, वे घर से बाहर निकल गए और यीशु मसीह का प्रचार करने लगे, जो कि हम सब प्रेरितों के कार्य 5:27-42 में भी पाएंगे, जहां वे लोग इस बात से आनंदित हुए मेरे प्रियों कि हम सब यीशु मसीह के लिए मार खाने के योग्य समझे गए, यीशु मसीह के लिए निरादर होने के योग्य समझे गए। ये चेलों में अद्भुत परिवर्तन आया। यही है पुनरुत्थान की गवाही में से एक गवाही, सच्चाई। अगला है कि पिंतेकुस्त का दिन प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का गवाह है। पुनरुत्थान के पश्चात 50वें दिन में पवित्र आत्मा उंडेला गया प्रेरितों में, यह भी एक बहुत बड़ा गवाही है यीशु मसीह के पुनरुत्थान का। और छठा बिंदु जो है, सबसे बड़ा गवाही क्या है जो हम प्रत्येक प्रभुवार करते हैं कि पुनरुत्थान का सबसे बड़ा सच्चाई, सबसे बड़ी सच्चाई और गवाह यह है कि आराधना का दिन रविवार हो गया, आराधना का दिन संडे हो गया, है ना, सबसे अद्भुत बात है, पुनरुत्थान की गवाही है मेरे प्रियो। हम प्रतिदिन अपने जीवन में इन सब को देख रहे हैं और इन सब के द्वारा हम सब गवाही दे रहे हैं। मत भूलिए कि हम सब गवाह हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि उत्तर भारत की कलीसिया CNI का मोटो भी क्या है, एकता, गवाही और सेवा, यूनिटी, विटनेस एंड सर्विस। हम सब गवाह हैं, विटनेस हैं, इसे नहीं भूलें। हम सब पुनरुत्थान, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह में थोड़ा सा और अंदर जाते हैं और उसकी सच्चाई को, यीशु मसीह के पुनरुत्थित शरीर की प्रकृति को देखते हैं। यूहन्ना 20:20 के अनुसार यह एक वास्तविक शरीर था। जैसा यीशु मसीह को दफनाया गया था वैसा ही वो जी उठे। यह तो बहुत बड़ी गवाही है जो यूहन्ना 20:20 में लिखा है। दूसरा जो यूहन्ना 20:25-29 में लिखा गया है कि यह उसी शरीर के रूप में पहचाना गया जो कब्र में रखा गया था। कितनी अद्भुत बात है, उसके पुनरुत्थित शरीर की प्रकृति, यीशु मसीह के पुनरुत्थित शरीर की प्रकृति व सच्चाई। तीसरा ऐसा कि यह ऐसा परिवर्तित हो गया था कि मृत्यु और भौतिक सीमाओं के अधीन पुनः नहीं हो सकता था। अद्भुत बात है मेरे प्रियो, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। हमने सबसे पहले देखा था पुनरुत्थान की गवाही अथवा सच्चाई, फिर उसके पुनरुत्थित शरीर की प्रकृति को हम लोगों ने देखा, पुनरुत्थान का महत्व,
यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह हैं हम सब। लेकिन पुनरुत्थान अपने आप में कितना महत्व रखता है, सबसे पहले खुद यीशु मसीह के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह पुनरुत्थान, आइए देखें। रोमियो 1:4 के अनुसार मसीह के लिए पुनरुत्थान का महत्व यह है, रोमियो 1:4 के अनुसार, कि इसने उसे परमेश्वर का पुत्र प्रमाणित किया। बिल्कुल सही बात कि रोमियो 1:4 में कि इसने उसे, यानी कि पुनरुत्थान ने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र प्रमाणित किया। यीशु मसीह के लिए यह महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, यीशु मसीह के लिए पुनरुत्थान का महत्व और क्या है, मत्ती 28:6 के अनुसार कि इससे सब कुछ जो उसने कहा था उसकी सच्चाई को दृढ़ किया। हमने सुसमाचार में सुना लूका 24:36-48 में कि यीशु मसीह ने कैसे मूसा की बातों को कहा, पुराने नियम की बातों को कहा, जो कुछ भी यीशु मसीह ने कहा था उसको सच्चाई से दृढ़ किया। मत्ती 28:6 में इसे हम सब पाएंगे। यीशु मसीह के लिए पुनरुत्थान का महत्व तो यही है, पहला कि वह परमेश्वर का पुत्र प्रमाणित हो गया इसके द्वारा, दूसरा जो कुछ भी यीशु मसीह ने कहा था उसे सच्चाई से उसने दृढ़ किया। दूसरी बात कि पुनरुत्थान का महत्व तो सब मनुष्यों के लिए क्या है, सभी मनुष्यों के लिए, कोई भी गोरे हो, काले हो, लंबे हो, नाटे हो, मोटे हो, पतले हो, सभी लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है पुनरुत्थान का। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 15:20-22 में बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि यह सबके पुनरुत्थान को निश्चित करता है, सबके पुनरुत्थान को, संपूर्ण मानव जाति के पुनरुत्थान को निश्चित करता है प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, जो 1 कुरिन्थियों 15:20-22 में मिलेगा, इसे जरूर नोट कर लें। उसके बाद पुनरुत्थान का महत्व तो सभी मनुष्यों के लिए क्या है, दूसरा बिंदु है या कि प्रेरित 17:31 के अनुसार यह आने वाले न्याय को निश्चित करता है, यह आने वाले न्याय को निश्चित करता है। हमने अभी तक देखा कि मसीह के लिए पुनरुत्थान का महत्व तो क्या था, क्या है, और दूसरा हमने देखा कि सब मनुष्यों के लिए मसीह के पुनरुत्थान का क्या महत्व तो है। तीसरा देखते हैं कि विश्वासियों के लिए, आपके और मेरे लिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान का क्या महत्व है। हम जो गवाह है पुनरुत्थान के, आज का विषय ही है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह। तो पहला महत्व तो यह है, हम विश्वासियों के लिए पहला महत्व तो यह है, रोमियो 4:25 या परमेश्वर की स्वीकृति की निश्चयता देता है, रोमियो 4:25। दूसरा, यह मसीहों के लिए, हम सब के लिए सेवा के निमित्त सामर्थ का आश्वासन देता है, सेवा के निमित्त सामर्थ का आश्वासन देता है, सर्विस। मैंने कहा सीएनआई का मोटो क्या है, यूनिटी विटनेस एंड सर्विस, विटनेस पढ़ लिया अभी सर्विस, या सेवा के लिए, सेवा के निमित्त सामर्थ का आश्वासन देता है, एफिसी 1:16-22 इसमें हम सब पढ़ पाएंगे कि यह सेवा के निमित्त सामर्थ का आश्वासन देता है विश्वासियों के लिए। और एक बिंदु पुनरुत्थान का महत्व तो विश्वासियों के लिए क्या है, आपके और मेरे लिए क्या है, उसका अगला बिंदु यह है कि यह विश्वासियों के पुनरुत्थान का आश्वासन देता है, विश्वासियों के पुनरुत्थान का आश्वासन देता है, जो 2 कुरिन्थियों 4:14 में मिलेगा। आप लोग जरूर पढ़िएगा, आप सब जो YouTube के द्वारा इस उपदेश को सुन रहे हैं जरूर नोट कीजिए, मैं विश्वास करता हूं आप ऐसा ही कर रहे हैं। यह विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान के महत्व का दूसरा बिंदु है कि यह विश्वासियों के पुनरुत्थान का आश्वासन देता है, जो 2 कुरिन्थियों 4:14 में हमें मिलेगा। अगला पॉइंट है जो विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान के महत्व से संबंधित है कि यह मसीह को, यीशु मसीह को, जी हां, यीशु मसीह को कलीसिया के सिर के रूप में ठहराता है, एफिसी 1:19-22। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर को धन्यवाद हो, हम सबको वचन के द्वारा वो आनंदित किए जा रहा है। या मसीह को, यीशु मसीह को कलीसिया के सिर के रूप में ठहराता है, जो इफिसी 1:19-22 में हम सब पाते हैं। अगला बिंदु जो विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान के महत्व से संबंधित है, इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो कि स्वर्ग में एक दयालु महायाजक का होना, जो इब्रानियों 4:14-16 में लिखा हुआ है। अब हमारे लिए प्रभु यीशु एक दयालु महायाजक के रूप में पिता की दाहिनी ओर बैठा है, आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो आज हमने जो विषय है उसके अनुसार देखा कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह, हमने
बड़े अच्छे रीति से इन सब को देख लिया। मैं उसको एक बार दोहरा देना चाहता हूँ, पुनरुत्थान के गवाह ये हैं, खाली कब्र, दूसरा है उसका प्रकट होना। बहुतों के बीच में वो प्रकट हुए, मरियम मगदलिनी, दूसरी स्त्रियों को, पतरस को, इमाउस के मार्ग पर चेलों को, 10 चेलों को, फिर 11 चेलों को, गलील के पास 7 चेलों को, 500 से अधिक लोगों को, स्वर्गारोहण के समय 11 चेलों को। और तीसरा गवाही या सच्चाई है कि मसीह कलीसिया अस्तित्व में आ गई। चौथा, चेलों में परिवर्तन आ गया, आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। पांचवा, पेंतेकुस्त का दिन हम सब देख पाए। छठा है, आराधना का दिन संडे हो गया, रविवार हो गया। ये पुनरुत्थान के गवाह हैं, एकदम ऐतिहासिक गवाह हैं, नहीं बदलने वाले गवाह हैं। और उसका दूसरा बिंदु हमने देखा था कि यीशु मसीह के पुनरुत्थित शरीर की प्रकृति के बारे में, कि वह वास्तविक शरीर था या उसी शरीर के रूप में पहचाना गया जो कब्र में रखा गया था, वह फिर या ऐसा परिवर्तित हो गया था कि मृत्यु और भौतिक सीमाओं के अधीन और बार बार नहीं हो सकता था। पुनरुत्थान का महत्व मसीह के लिए क्या है, कि उसने परमेश्वर के पुत्र होने को प्रमाणित किया। दूसरा है, इससे जो कुछ यीशु मसीह ने कहा था उसको सच्चाई से दृढ़ किया। पुनरुत्थान का महत्व यही है। फिर सब मनुष्यों के लिए यह था है कि वह सबके पुनरुत्थान को निश्चित करता है। फिर आगामी आने वाले न्याय को निश्चित करता है। विश्वासियों के लिए क्या है पुनरुत्थान का महत्व, कि यह परमेश्वर की स्वीकृति की निश्चितता देता है, या सेवा के निमित्त सामर्थ का आश्वासन देता है, या विश्वासियों के पुनरुत्थान का आश्वासन देता है, यह मसीह को कलीसिया के सिर के रूप में ठहराता है। अंतिम है कि इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग में एक दयालु महायाजक का होना। मेरे प्रियो, आप इन बिंदुओं को, इन बातों को जरूर अपने डायरी में लिख लें, लोगों को बांटें, शेयर करें, ताकि वे भी पुनरुत्थान की शक्ति से, सामर्थ से भर जाएं और सच्चे गवाह बने रहें। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। प्रार्थना करें। जीवित यीशु, तेरे वचन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद कि तू जी उठा, सचमुच तू जी उठा, और हम सब के लिए परमेश्वर तूने पुनरुत्थान को निश्चित कर दिया है। धन्यवाद, तेरे जी उठने के द्वारा हम सब परमेश्वर जीवित लोगों की मंडली में कहलाए जाते हैं। प्रार्थना है परमेश्वर, हम सब लोग प्रतिदिन तेरे वचन के अनुसार तेरे जी उठाए जाने की बातों को घोषणा करें, और सबके सामने परमेश्वर तू हम सब का प्रभु यीशु है यह मानने से ना डरे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमेन। हम सब अपने विश्वास को दृढ़ाए एक साथ प्रेरितों के विश्वास वचन का अंगीकार करते हुए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीत हुआ मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमेन। ईस्टर कैरल नंबर 9।
दान के लिए हम सब प्रार्थना अर्पण करें। इन दानों में साधारण दान है, इन दानों में धन्यवादी दान है, इन दानों में हम सब सिरनी दानों को इकट्ठा करते हैं और बहुत सारे दान जो आपका हृदय प्रभु के लिए उमड़ता है। प्रार्थना करें। हे जीवित ईश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको इस योग्य बनाया कि हम सब तेरी स्तुति और महिमा के लिए और कलीसिया की बढ़ती के लिए, सतत वृद्धि के लिए हम सब दानों को इकट्ठा कर पाते हैं। यह सब कुछ परमेश्वर तेरी ओर से हम सबको प्राप्त हुआ है। इन एकत्रित किए गए दानों को जो अपने अपने घरों में हम सब इकट्ठा कर रहे हैं, सब पर तू आशीष और अनुग्रह दे ताकि ये कलीसिया में सौंप दिए जाएं और कलीसिया की निरंतरता के लिए, उसकी वृद्धि के लिए सदैव यह काम आता रहे। जितने लोगों ने सहभागिता इसमें दिखाई है, बनाए रखी हुए, सभी आशीषित और अनुग्रहित रहें। यह दान तेरे आशीष और अनुग्रह को इस पृथ्वी पर और प्रत्येक के जीवन में आशीष और अनुग्रह को लाए जाने का माध्यम बना रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमेन। हम सब धन्यवाद की प्रार्थना को अर्पण करेंगे। जितने लोग पूरे सप्ताह अपने जन्मदिन के लिए, वैवाहिक वर्षगांठ के लिए और कोरोना बीमारी से बचा लिए जाने के लिए और भी भिन्न भिन्न जो आश्चर्यकर्म है जो उन्होंने महसूस किया है, उन सब के लिए जो धन्यवादी आराधना या धन्यवादी प्रार्थना हृदय अर्पण करना चाहते हैं, उन सब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र 146 को सुनेंगे। हालेलुया, हे मेरे जीव प्रभु के नाम की स्तुति कर। मैं अपने जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा। मैं जब लो मेरी अस्थि रहेगी तब लो अपने परमेश्वर की स्तुति गान करूँगा। तुम अधिपतियों पर भरोसा मत रखो और न किसी मनुष्य वंशी पर जिसमें त्राण शक्ति नहीं। उसका प्राण निकलेगा, वह अपनी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी युक्तियां नष्ट भई। धन्य वह है जिसका सहाय याकूब का परमेश्वर है, जिसकी आशा प्रभु अपने ईश्वर पर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबका करता है, जो सच्चाई को सदा लो स्थिर रखता है। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी, अब है, वरन सदा युगान युग रहेगी, आमीन। प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब इस समय तेरे चरणों के निकट उन लोगों को लाते हैं, उनके नामों को लाते हैं जो लोग परमेश्वर इस सप्ताह भर अपने जन्म दिवस को मनाएंगे, उनको भी जो अपने वैवाहिक वर्षगांठों को मनाएंगे, उनके लिए भी परमेश्वर जो लोग इस कोरोना महामारी के दरमियान में बचा लिए गए हैं, वे संक्रमित थे लेकिन परमेश्वर वे अब ठीक हो रहे हैं, ठीक हो चुके हैं, उन सबको तेरे चरणों के करीब लाते हुए और साथ ही उन लोगों के हृदयों को भी तेरे सामने लाते हैं जो लोग परमेश्वर प्रतिदिन तुझको चलता फिरता महसूस कर रहे हैं। प्रार्थना है सभी लोग आशीषित, आनंदित, सुरक्षित रहे और हे जीवित परमेश्वर, हम सब तेरी कलीसिया के बढ़ती के कारण बने रहें। परमेश्वर प्रार्थना है कि उनके जीवन में तेरे पुत्र की उपस्थिति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे और स्वस्थ हों और हे जीवित ईश्वर, तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करने वाले बने रहें और हम सब जब तक जीवित रहें इस पृथ्वी पर तेरे आशीष और अनुग्रह को बटोरने वाले बने रहें, कलीसिया के साथ, परिवार के साथ, संगति के साथ। हे परमेश्वर, सभी को बहुतायत की आशीष दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमेन। गीत संख्या 216, हिम नंबर 216। Bye.
अभी हम सब विशेष प्रार्थनाएं करें, याद करें उन लोगों को जो संक्रमित हो गए हैं और ऐसे जगहों पर हैं जहां संक्रमण या संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा है, और सभी पुरोहितों को भी याद करें क्योंकि वे भी संक्रमित हो रहे हैं। तो आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम सब तुझको पुकारते हैं, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के लहू को पुकारते हैं, जी उठे प्रभु यीशु को पुकारते हैं कि इस महामारी में भी परमेश्वर हम सब यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति से भर जाएं। हर एक लोग जो आज अस्वस्थ है उन सब के साथ हो, और हे परमेश्वर कोरोना महामारी के समय में हर प्रकार की गलत बातों से विचारों से भी दूर रहे और मानसिक रूप से दृढ़ और सबल बने रहे, और जिन दवाइयों का उपयोग करने के लिए निर्देश दिया जाता है उन सबका अच्छी रीति से उपयोग करें। और हे परमेश्वर हम सबको यह अनुग्रह दे कि परिवार में रहते हुए हम सब इस महामारी से लड़ने के लिए एकजुट बने रहें, एक मत बने रहें। और हे जीवित ईश्वर धन्यवाद कि तूने अपने पुत्र को जी उठाने के द्वारा, जीवित करने के द्वारा परमेश्वर यह आशा तूने हम सबको दे दी कि हम सब भी तेरे पुत्र के नाम से जिलाए जाएंगे और हम सब सुरक्षित बने रहेंगे। ये इस प्रतिज्ञा के लिए, इस विशेष वादे के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पूरे महामारी काल को हम सब सामना कर सके अच्छी रीति से, और जब तक जीवित रहेंगे तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम की सामर्थ्य, उसके लहू की सामर्थ्य में दृढ़ और सबल बने रहें और स्वस्थ बने रहें। प्रत्येक को परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के लहू में हम सब बांध देते हैं और लहू का छिड़काव करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमेन। समापन प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने आरंभिक इस आराधना के आरंभ से अब तक तूने अगुवाई की है। अब जब हम सब आराधना को समाप्त करने पर हैं हम सब के साथ हो ले, और परमेश्वर हम सब अपने पूरे सप्ताह भर के जीवन में तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त को चलता फिरता महसूस करें, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, उसके पासबानों के लिए प्रार्थना करें। और हे परमेश्वर अगले प्रभुवार जब हम सब फिर अपने अपने घर में परिवार के साथ एक साथ बैठे रहते हैं तो हे परमेश्वर यूट्यूब के इस आराधना के द्वारा आशीषित और अनुग्रहित बने रहें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमेन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सभी पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे, आमीन, आमीन, आमीन। गीत संख्या 103, हिम नंबर 103।